नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमेजिंग जी की न्यूज में। और आज के अपने इस वीडियो में हम इस बात को जानेंगे कि माचिस की तीली में ऐसा कौन सा मसाला लगाया जाता है जो माचिस के बाहरी सतह पर रगड़ने पर तत्काल जल उठती है। दरअसल दोस्तों, आप सभी लोगों ने अपने घरों में, किचन में, मंदिरों में माचिस का इस्तेमाल जरूर किया होगा। लेकिन दोस्तों, आप इतनी बार माचिस का इस्तेमाल करते हैं तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि माचिस की तीली में मसाले कैसे बनते हैं, वे जलने कैसे लगते हैं, माचिस की तीली की सिरे पर जो जमा मसाला लगाया जाता है वो किस चीज़ का बना होता है। तो दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम आपको इसी खबर के बारे में जानकारी देंगे, तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, माचिस की तिली पर आप जिस मसाले को देखते हैं वो फास्फोरस का मसाला होता है। और जब हम माचिस की तिली को माचिस के डिब्बे पर रगड़ते हैं तो माचिस की तिली और माचिस के डिब्बे पर घर्षण पैदा होता है और उस घर्षण के कारण ही तीखी आग जल उठती है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि माचिस की तिली के ऊपर कौन कौन से मसाले यूज किए गए होते हैं। सबसे पहले दोस्तों, इसमें फास्फोरस सल्फाइड यूज किया होता है, दूसरा पोटेशियम क्लोराइड, तीसरा सल्फर जिसे गंधक भी कहते हैं, चौथा नंबर दोस्तों कांच का पाउडर और पांचवा सिंथेटिक गोंद। अब दोस्तों, इन सभी रसायन और पदार्थ को एक निश्चित मात्रा में मिलाकर पेस्ट बना लिया जाता है और इस पेस्ट को लकड़ी की तिली के सिरे पर लगा दिया जाता है। और जब मसाला सूख जाता है तब तिली का मसाले वाला हिस्सा पिघले मोम में डुबाकर निकाल लिया जाता है ताकि मसाले में जल्दी नमी न पकड़ सके और आसानी से जल उठे। इसके बाद दोस्तों, माचिस की साइड की तिली रगड़ने वाली सतह पर कांच का पाउडर और फास्फोरस सल्फाइड गोंद मिलाकर परत लगा दी जाती है। और फिर जब हम तिली को माचिस की साइड वाले हिस्से में रगड़ते हैं तो दोनों सतहों में रगड़ने के कारण घर्षण जो गर्मी पैदा करती है उस कारण तिली का फास्फोरस जल उठता है और इसी कारण पोटेशियम क्लोरेट गर्म होने पर ऑक्सीजन छोड़ता है जिससे सल्फर तेजी से जल उठता है व साथ ही लकड़ी की तिली भी जलने लगती है। दोस्तों, यहाँ हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि माचिस का निर्माण इंग्लैंड के जॉन वॉकर ने साल 1827 में किया था और उन्होंने उस समय लकड़ी के टुकड़े पर गोंद, स्टार्च, एंटीमनी सल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट लगाकर बनाया था। लेकिन दोस्तों, उस समय इसका इस्तेमाल सेफ नहीं हुआ करता था। दोस्तों, यहाँ पर यह भी जानना आवश्यक है कि भारत में माचिस का निर्माण सबसे पहले 1895 में शुरू हुआ था और भारत में माचिस बनाने की सबसे पहली फैक्ट्री अहमदाबाद और फिर कोलकाता में खुली थी। दोस्तों, स्वीडन की मैच मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने भारत में माचिस बनाने की कंपनी को खोला था। दोस्तों, यहाँ पर यह भी जानना आवश्यक है कि भारत में कुछ ही फैक्ट्रियाँ ऐसी हैं जिनका सारा काम मशीनों से होता है, जबकि ज़्यादातर फैक्ट्रियाँ ऐसी हैं जिनमें हाथों से ही मशीनों का काम किया जाता है। बाकी दोस्तों, अगर इस वीडियो से संबंधित आपके पास कोई सुझाव या सजेशन है या आपको लगता है कि इस वीडियो में आपको किसी भी प्रकार की गलत जानकारी दी गई है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लाएं। तब तक के लिए रहता हूं दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।